गजाननाय नमः। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल थ्रॉटल जॉकी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज संडे है और आज है गणेश चतुर्थी का पांचवा दिन और अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं लाल बाग चा राजा के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम गया था 2019 में, 20 और 21 में तो कोविड की वजह से नहीं जा पाए, तो अभी इस साल है तो जाना तो बनता है। और आज अचानक से बुलावा आया, अचानक से मन कर गया, प्लान बन गया, तो मैं बोला चलो जाते हैं। मैं बोला जा ही रहे तो जो लोग वहाँ नहीं जा पाए, जो अपने मुंबई से बाहर के सब्सक्राइबर है जो नहीं आ पाए वहाँ पे, या फिर मुंबई वाले भी जो है जो नहीं जा पाए, उनके लिए एक ग्लिम्स हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से ब्लॉग पूरा शूट करूँ और कैसे जाना है क्या है पूरा आपको सब बताऊँगा। अभी फ़िलहाल तो हम कांदिवली में, सॉरी बोरीवली वेस्ट में, तो बोरीवली और कांदिवली के बीच में पड़ता है ये एरिया पोईसर में अभी फ़िलहाल। और फुल एकदम ट्रेडिशनल अटायर में, ऑरेंज कलर का कुर्ता और अपनी प्यारी एस। और अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा सिचुएशन है, बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आज बहुत ज़्यादा रश होगा बिकॉज आज संडे है। बट मेरा पर्सनली दिमाग ये चल रहा है कि आज संडे नहीं, आज संडे नाइट है, तो संडे नाइट को इतना ज़्यादा रश नहीं होगा जितना संडे डे में होता है ना। बिकॉज कल मंडे है तो कल से सबका ऑफिस वगैरह होगा, तो नाइट में ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। और वो तो हमारी तो छुट्टी है इसके लिए हम जा रहे, वरना हमारा भी ऑफिस होता तो हम भी नहीं जाते। देखते हैं कौन सही निकलता है, जो सब लोग बोल रहे हैं वो सही निकलते हैं या फिर अपना दिमाग जो चला रहे हम सही निकलते हैं। बाकी देखो ये जो दिमाग में चला है ये ऑफिस वालों को या फिर स्कूल कॉलेज वालों को लेकर चला है, बिकॉज काफ़ी लोगों के स्कूल मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। बट अब जो कुछ वेले लोग जैसे होते हैं तो उन लोग के लिए तो क्या संडे, क्या मंडे, क्या फंडे। गणपति बप्पा से प्रे करूँगा कि जिनको भी जॉब नहीं मिल रहा है, जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर जो कुछ भी नहीं कर रहे लाइफ में, भगवान उनको थोड़ा मार्गदर्शन करे। और हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे यार, मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए। तो अभी हमने SV रोड से लेफ्ट लिया है और ये जो है ये कांदिवली का ब्रिज है ईस्ट वेस्ट का। ये जब हम ईस्ट में उतरेंगे तो वो वाला रोड सीधा स्टेशन की तरफ कनेक्ट होगा और स्टेशन से होते हुए
अपन हाईवे जाएंगे, फिर हाईवे से राइट लेंगे तो सीधा अपने को जाने का लोअर परेल, और वहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है। देखेंगे कोई अच्छी जगह पे, कोई गली वली में कहीं पे छुपा के बाइक पार्क करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मेन रोड पे लेके गए बाइक तो फिर आतंक मच जाएगा। एक बार लेके जाएंगे अपन, पर जब दर्शन के लिए जाएंगे ना तब भी किधर ना किधर पार्क करना पड़ेगा छोटी मोटी गली में। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली हाईवे साइड में आ गए, यहाँ से अपने को आगे से राइट लेना होगा, लेफ्ट साइड में पीछे ग्रोवेल्स मॉल था। ओह माय गॉड, तो फाइनली हाईवे पे पहुँच गए अपन। अभी अपने को सीधा सीधा जाने का है लोअर परेल, और लोअर परेल से अपने को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोस। मज़ा काफ़ी आने वाला है भाई। आई थिंक ये पहला वीडियो होगा जहाँ पे एक मोटो ब्लॉगर लालबाग तरफ जा रहा है बाइक लेके। आई गेस आई एम नॉट श्योर, बिकॉज दो साल में काफ़ी ज़्यादा मोटो ब्लॉगर्स आए इंक्लूडिंग मी, एंड अभी तक किसी ने भी लाइक दो साल में इतने सारे आए और इस सीज़न इस साल पता नहीं किसी ने वीडियो बनाया कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बट आई थॉट इट एज अ यूनिक कॉन्सेप्ट। तो जहाँ तो हम ट्रेन से भी सकते थे आइडियली, दैट वुड हैव कॉस्टेड मी मच मोर लेसर देन दिस, क्योंकि इससे आना जाना मतलब 300-400 रुपये 300-400 के ऊपर का ही खर्चा है। ट्रेन से क्या 30-40 रुपये भी नहीं, स्टेशन से तो पैदल का रास्ता है अपने लिए। स्टिल आई प्रेफर्ड दिस, सो लेट्स गो एंड चेक। देखो सब ट्रिपल ट्रिपल सीट बिना हेलमेट के, और ये सारे आई गेस वही साइड में आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए यार। पहली बार तो डबल सीट जाओ और हेलमेट ज़रूर पहनो। बाकी भाई एस का शेड, क्या ही मज़ा है भाई, क्या ही मज़ा है। मुंबई का नाइट लाइफ का ना वाइब ही अलग है। ये अंकल इधर ही रुका दिए बीच में। अभी येलो ब्रिज हम लोग को नीचे से लेने का है लालबाग के लिए। ब्लॉकर नहीं, ब्लॉगर। You are saying ब्लॉकर नहीं, ब्लॉकर। अरे भाई हम किसी को ब्लॉक नहीं करते यार, हम ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक। इधर तो अपने को लग रहा है अंदर नहीं लेके जाने मिलेगा बाइक, बिकॉज आगे पूरा रोड ब्लॉक है। एंट्रेंस उधर से अपने को इधर बाइक पार्क करना पड़ेगा। तो भाई इधर भी बाइक पार्क करने के लिए हम लोग गली में आए कहीं पे, बिकॉज बाहर पार्क करेंगे ना थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोग इधर गली में कहीं पे जगह ढूंढ रहे हैं। तो गेट है है ऊपर मंदिर के यहाँ पे, पर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। स्कूटी निकाला हुआ है यहाँ से, स्कूटी लगाया हुआ है मतलब। इधर पे पार्क कर दिया है भगवान के दरवाजे पे, गणपति अप्पा ध्यान देना बस। जगह पे लगा देते अपने, चलो हो गया। ये शिंचू भाई पंजाबी और वॉट। अब जाएंगे लालबाग का दर्शन करते और आपको भी दिखाते, वैसे बैटरी बहुत कम है, थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा। We'll be right back.
आप सब ने बचपन में ये वाला तलवार तो यूज़ किया ही होगा। नहीं, बचपन में इतना लेता था ना मैं, क्या बोलूँ। देखो ये वाला बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ, बचपन में लेते थे ना ऐसे। तो वही है, तभी मेरे ख्याल से 5-10 रुपये का मिलता था, अब पता नहीं कितना होगा। अब 20-30 रुपये। 30 रुपये पूछा तूने? हाँ 30 रुपये। अभी हमने स्टार फ्रूट लिया है शिंचू के लिए, मैं तो नहीं खाता खट्टा बिट्टा, शिंचू को खट्टा खाना था। कुछ गलत मत समझना, कुछ भी गलत नहीं समझना, कोई भी कुछ भी। शिंचू को खट्टा खाना था तो उसके लिए स्टार फ्रूट ले लिया हमने। अभी यहाँ से जाने की तैयारी में है, लालबाग के दर्शन नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग मलाड पहुँच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम घर पहुँच जाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको इतना सा भी कुंजुम कुंजुम सा भी मज़ा आया हो तो यू नो द ड्रिल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, वेयर हेलमेट एंड वॉच रियल।